हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग मे माइट मस्ट के यूज को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग कैन कुड और कैन है कुड है प्लस वी थ्री के यूज को पढ़े थे, और इस वीडियो में हम लोग मे माइट और मस्ट के यूजेज को पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है वो काफ़ी हद तक 10+2 यानी एकेडमिक एग्जाम्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है, और इससे काफ़ी विद्यार्थियों को फायदा हो सकता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। रूल वन में देखेंगे स्टूडेंट्स, मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। यानी मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, एंड अनसर्टेनिटी अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए होता है। बट माइट एक्सप्रेस इज रिमोट पॉसिबिलिटी, लेकिन माइट से रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त होती है। रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त होने का अर्थ ये है कि इससे बहुत कम संभावना व्यक्त होती है, और मे की बात की जाए अगर माइट की तुलना में, तो माइट से अधिक संभावना मे से व्यक्त होती है। लेकिन अगर मे की माइट की बात की जाए तो माइट से बहुत कम संभावना व्यक्त होती है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि द स्काई इज क्लाउडी। स्काई इज क्लाउडी मतलब कि आकाश में बादल हैं, इट मे रेन टूडे। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई कि जब बादल है तो बारिश हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी है, यानी पॉसिबिलिटी अधिक है कि बादल है तो पानी हो सकता है। अब यहाँ पर है कि द स्काई इज नॉट क्लाउडी, आकाश में बादल नहीं है, बट ए चेंज इन वेदर इज ऑलवेज पॉसिबल, लेकिन मौसम में बदलाव हमेशा संभव होता है। इट माइट रेन टूडे, तो आज बारिश हो सकती है। तो इस प्रकार से यानी कि बारिश तो हो सकती है आज, लेकिन कैसे? तो यहाँ पर यह है कि धारणा है कि मौसम बदलाव कभी भी हो सकता है, तो बारिश हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो है रिमोट पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, क्योंकि बादल दिखाई दे नहीं रहे हैं, और जब बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं तो पॉसिबिलिटी जो है वो स्ट्रांग नहीं है यहाँ पर, है ना? पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर, क्या है कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तो है लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है, यानी इस ये यहाँ पर रिमोट पॉसिबिलिटी है कि आकाश में बादल नहीं है लेकिन बदलाव कभी भी वेदर में जो है संभव है, इसलिए बारिश आज हो सकती है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा कि रिमोट पॉसिबिलिटी होगा तो माइट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ही हैज़ परचेज्ड 100 टिकट्स ऑफ लॉटरी। उसने 100 टिकट लॉटरी के खरीदे हैं। तो अगर 100 टिकट लॉटरी के खरीदा है तो हो सकता है ना कि वो जीत जाए, मैंने कोई ना कोई लॉटरी वाला तो लॉटरी का टिकट तो लग ही जाएगा उसका, अगर 100 खरीदा है तो। ये पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है कि 100 टिकट खरीदा है तो एक एक ना एक उसमें से उसका लॉटरी का जो है वो मिल ही जाएगा प्राइज। तो यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी है, तो ही मे वी ने प्राइज लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर मे का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर कि अगर ये कहे कि फर्स्ट प्राइज जीतेगा, तो ये तो हम पूरी तरह से कह नहीं सकते हैं। संभावना तो है कि फर्स्ट प्राइज जीत सकता है क्योंकि उसने 100 लॉटरी के टिकट खरीदे हैं, लेकिन बहुत कम संभावना है, संभावना जो है बहुत कम है। तो इसलिए यहाँ पर माइट का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर समझ लीजिए इस चीज़ को कि अगर मे का प्रयोग किया जाएगा तो उसे पॉसिबिलिटी व्यक्त होगी या अनसर्टेनिटी व्यक्त होगी, अनिश्चितता व्यक्त होगी, मतलब कि कोई काम हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर जो है कि जो माइट का प्रयोग जो करते हैं वो उसके लिए हम रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहा जा सकता है कि कोई भी चीज़ नहीं, कोई मतलब कि कोई क्लू दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हम संभावना कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर भी हम आशा कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि माइट का प्रयोग होता है। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है, यहाँ देखिए कि यहाँ पर क्लाउडी है, आकाश जो है क्लाउडी है, तो यानी कि कोई ना कोई क्लू तो दिखाई दे रहा है ना कि हमारी संभावना का, निश्चित नहीं है कि बारिश होगी, अनिश्चित है, लेकिन संभावना तो दिखाई दे रही है अपनी आंखों से। लेकिन वहाँ जहाँ संभावना ही दिखाई नहीं दे रही है, जैसे क्लाउडी नहीं है और फिर भी हम कहते हैं बारिश हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए या रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं, और स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे रूल्स पर। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है कि इफ प्रिंसिपल क्लज, यहाँ देखेंगे यहाँ पर है कि इफ प्रिंसिपल क्लज इज इन प्रेजेंट टेंस एंड देयर इज द यूज ऑफ दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट, यानी कि अगर प्रिंसिपल क्लज प्रेजेंट टेंस में हो और डैट का प्रयोग हुआ हो, सो डैट का प्रयोग हुआ हो, इन ऑर्डर डैट का प्रयोग हुआ हो, इन सबॉर्डिनेट क्लज में, एंड इट एक्सप्रेसेज पर्पस, और यह पर्पस व्यक्त करता हो या उद्देश्य व्यक्त करता हो, मे इज यूज इन सबॉर्डिनेट क्लज। देखिए कह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल क्लज है और प्रिंसिपल क्लज में प्रेजेंट टेंस है, यानी कोई वर्ब प्रेजेंट टेंस का है,
और आगे जोड़ने के लिए डैट आया है, सो डैट आया है और इन ऑर्डर डैट आया है, मतलब कि आगे जो सेंटेंस आता है और उसे अगर ये जुड़े रहेंगे डैट सो डैट और इन ऑर्डर डैट, तो वो सेंटेंस सबॉर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो डैट है, सो डैट है और इन ऑर्डर डैट है, ठीक है, तो इससे अगर आने वाला सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो उस आने वाले सेंटेंस में, मतलब कि उस सबॉर्डिनेट क्लॉज में अगर पर्पस बताया जाता है, उद्देश्य बताया जाता है, तो निश्चित रूप से माइट का प्रयोग होगा। माइट का प्रयोग तब होगा जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि ही, यहाँ पर देखेंगे कि ही वर्क्स हार्ड सो डैट, वह मतलब कि कठिन परिश्रम करता है ताकि ही में पास, वह पास हो सके। तो यहाँ देखिएगा कि ये जो प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर आपका दिया हुआ है, जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो क्या है, वर्क्स, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये V5 है, वर्ब का यानी सिंगुलर फॉर्म है, और वर्ब का सिंगुलर फॉर्म किस में होता है, तो प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट में है। और यहाँ देखेंगे सो डैट से क्या हो रहा है, यानी उद्देश्य बताया जा रहा है, पर्पस बताया जा रहा है। पर्पस क्या है, मेहनत करने का, तो पास होने का पर्पस है, तो पर्पस बताया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मे होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए नीचे कि वी ईट, हम खाते हैं, सो डैट ताकि वी मे लिव, ताकि हम जी सकें, तो यहाँ भी पर्पस क्या है, तो जीने का पर्पस है। और यहाँ देखिए किस टेंस में है, तो प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पर मे लगा हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए दिया हुआ कि बट इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में हो, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब वो आम मैंने दिखाया जो प्रेजेंट में था, वर्क्स था, है ना, या फिर ईट था, ये जो प्रेजेंट में था, अगर ये पास्ट में हो जाए तो क्या होगा, तो माइट, सॉरी, मे के स्थान पर माइट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है उसमें मे के स्थान पर माइट का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल एक दिया है कि ही डाइड, वो मर गया, सो डैट ताकि वी माइट लिव, ताकि हम जी सके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ डाइड जो है वो V2 है, यानी पास्ट में है, इसलिए यहाँ माइट क्या है, यूज हुआ है। अगर यहाँ प्रेजेंट में होता तो यहाँ मे का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ जो पास्ट में है इसलिए यहाँ माइट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मे का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो टू गिव एंड आस्क परमिशन, वी यूज मे, यानी कि हम परमिशन देने के लिए या मांगने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है पहला जो एग्जांपल है कि मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आस्किंग परमिशन, यानी परमिशन मांगा जा रहा है, तो मे का प्रयोग किया गया है, यहाँ देख लीजिए। और यहाँ पर कह रहा है यस यू मे, हाँ आप जा सकते हैं, तो ये देखिए क्या किया गया है कि परमिशन दिया गया है, तो देने में भी और लेने में भी, परमिशन देने में भी और परमिशन लेने में भी मे का प्रयोग किया जाता है। और लेकिन ये चीज़ समझिएगा कि ये फॉर्मल होता है, यानी जैसे ऑफिसेज में आप जाते हैं या फिर अपने सीनियर से बात करते हैं तो वहाँ मे का प्रयोग करते हैं, यानी कि फॉर्मल यूज होता है मे का। ऐसा नहीं कि आप इनफॉर्मल में नहीं कर सकते हैं, इनफॉर्मल में भी कर सकते हैं, यानी अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, अपने माता पिता के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है, मे का प्रयोग ज़्यादा फॉर्मल होता है, इसका भी ख्याल रखेंगे आप। आगे है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पर आस्किंग परमिशन, परमिशन मांगने के लिए मे का प्रयोग किया गया है। और यहाँ यस यू मे, हाँ आप आ सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि इसलिए किया गया है, तो यहाँ पर परमिशन देने के लिए किया गया है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं चौथे रूल पर। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है कि मे इज यूज फॉर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, मे का प्रयोग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं दिया हुआ कि मे आई बोरो योर पेन, तो यह तो आप अपने किसी मित्र से भी मांग सकते हैं, यानी कि इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि अनौपचारिक जो रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, उसके लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, मे आई हैव द साल्ट प्लीज, क्या मैं थोड़ा नमक ले सकता हूँ। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि ये जो यूज़ किया गया है इनफॉर्मल वे में भी, रिक्वेस्ट में भी आप यूज करते हैं मे का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मल में मे का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा बेहतर होता है अगर मे का प्रयोग करें फॉर्मल में, तो वहाँ पर हम माइट या कुड का प्रयोग न करें तो बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर। देखिए 5 नंबर रूल है, इसमें बोल कह रहा है कि मे एंड माइट आर नॉट यूज विच पॉसिबल एंड लाइकली। देखिए पॉसिबली और लाइकली के साथ आप मे या माइट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए पॉसिबली और जो लाइकली है वो मे और माइट का ही अर्थ देते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी ही दिखाते हैं। तो अगर हम इनका प्रयोग करते हैं मे और माइट के साथ, तो एक एरर होता है, सुपरफ्लुअस एरर हो जाएगा, यानी कि अधिक शब्द, आवश्यकता से अधिक शब्दों का उपयोग हम कर देंगे, तो जो कि गलत है। आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ में गलती होती है, वो लिखनी हो, बोलनी हो, या फिर अगर और भी कोई भी चीज़ हो,
तो वहाँ गलती होती है, वो आवश्यकता से अधिक अगर हम चीज़ों को करते हैं तो गलत होता है वो। इसलिए यहाँ भी देखिए, अगर मे के साथ हम यहाँ पॉसिबिलिटी का यूज़ कर दिए हैं तो ये गलत हो गया, क्योंकि मे और पॉसिबिलिटी तो एक ही सेंस दे रहा है, इसलिए गलत हो गया। हाँ, पॉसिबिलिटी का प्रयोग कब होता है, जब यहाँ पर हम वी लगा देते हैं, जैसे वी विल पॉसिबिली कम टुमारो, हम लोग हो सकता है कल आएंगे, तो यहाँ पर ये सही हो जाता है। लेकिन अगर मे लगा है तो पॉसिबिली नहीं लगेगा, अगर मे लगा है तो लाइकली भी नहीं लगेगा, इसको ध्यान देना है। एरर पोर्शन में ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर रूल पर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ देखिए 6 नंबर रूल में कह रहा है कि वी डू रिक्वेस्ट, सॉरी टू डू रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट करने के लिए माइट एक्सप्रेसेस मोर पोलाइटनेस। माइट जो होता है मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए, माइट अधिक पोलाइटनेस व्यक्त करता है, मतलब अधिक नम्रता व्यक्त करता है। इट एक्सप्रेसेस द स्पीकर हेजिटेशन, कह रहा है कि यह स्पीकर के हेजिटेशन को व्यक्त करता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के कमी को व्यक्त करता है। एंड द सिचुएशन इन विच रिक्वेस्ट मे नॉट बी एक्सेप्टेड, और ऐसी भी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसमें ऐसा लगता है कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार की अगर स्थिति हो, यानी कि जब आप हेजिटेशन दिखा रहा हो, कोई सेंटेंस अगर है, मान लीजिए वक्त स्पीकर का हेजिटेशन दिखा रहा हो, वहाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रहा हो, यानी आत्मविश्वास में कमी दिखा रहा हो। हेजिटेशन का मतलब होता है हकलाहट जो है, हिचकिचाहट है। और यदि ऐसी सिचुएशन भी उत्पन्न हो रही हो कि रिक्वेस्ट हो सकता है कि एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, बहुत बहुत दुविधा में है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम कूड का प्रयोग, सॉरी माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे माइट आई बोरो योर बाइसिकल, आप मतलब कि हिचकिचा भी रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पड़ोसी ही है और कोई किसी को सामान कोई नहीं देता है और आप जाते हैं और उसे, तो आप सोचते हैं, आप मन ही मन सोचते हैं कि तो देगा तो नहीं है, चलो मांग के देखते हैं। तो वहाँ मांगने जाते हैं, तो उस टाइप की सिचुएशन में क्या करते हैं कि हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए, यहाँ है माइट आई टॉक टू द सीएम। अब सीएम से तो मतलब कि बात करना बहुत बड़ी बात हो गई, तो वहाँ भी ऐसा होता है ना कि रिक्वेस्ट हमारा हो सकता है कि एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम माइट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, माइट इज यूज्ड एज द पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहे हैं कि माइट का प्रयोग जो होता है मे के पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में होता है, मतलब कि मे के पास्ट फॉर्म में होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है आपका नरेशन में, तो उसमें होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ नीचे दिया हुआ है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया कि ही आस्क्ड इफ ही माइट कम इन, उसने पूछा कि क्या वह अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि आस्क जो है, वहाँ देखिएगा आस्क का जो प्रयोग किया गया है वो उसके अनुसार ये पास्ट में है, तो यहाँ पर क्या होगा, मे के स्थान पर माइट होगा। आप देखिए फिर नीचे दिया गया है कि सेड दैट इट माइट रेन दैट डे, तो यहाँ पर सेड जो है पास्ट है, इसलिए वहाँ पर जो है माइट का प्रयोग होगा, मे का नहीं होगा। तो मे का प्रयोग जो होता है, सॉरी माइट का जो प्रयोग होता है वो मे के पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में भी किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए 8 नंबर रूल में कह रहा है कि मे इज यूज टू एक्सप्रेस गुड विशेज डिजायर सीटीसी इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, यानी मे का प्रयोग गुड विशेज या डिजायर इच्छा को व्यक्त करने के लिए या फिर शुभकामना को व्यक्त करने के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे यहाँ देखिए गॉड, मे गॉड ब्लेस यू, या मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क्स नहीं होगा, यहाँ पर आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है यहाँ पर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स नहीं होगा। तो इन प्रेजेंट्स वेयर एज माइट हैव प्लस वी थ्री शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी हैपनिंग ऑफ पास्ट विच डिज नॉट टेक प्लेस। या देखिएगा स्टूडेंट्स, कह रहा है कि जो मे है प्लस वी थ्री है वो क्या करता है कि वो दिखाता है पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में, यानी वर्तमान में, प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी दिखाता है, संभावना दिखाता है। जबकि माइट है प्लस वी थ्री जो है वो क्या करता है कि ये पास्ट में किसी हैपनिंग को, किसी घटना को दिखाता है जो कि नहीं हुई, जो घटित नहीं हुई उस घटना को पास्ट में दिखाता है, माइट है प्लस वी थ्री। और प्रेजेंट क्या दिखाता है, किसी घटना की संभावना को दिखाता है प्रेजेंट में। ध्यान रखिएगा, मे है प्लस वी थ्री क्या दिखाता है, तो मे है प्लस वी थ्री किसी घटना की संभावना को दिखाता है प्रेजेंट में, और माइट है प्लस वी थ्री क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कोई घटना संभव थी, कोई जो हैपनिंग है या घटना है वो संभव थी पास्ट में लेकिन हुई नहीं। तो अगर कोई चीज़ संभव था पास्ट में नहीं हुआ, उसके लिए माइट है प्लस वी थ्री का प्रयोग करते हैं, और कोई संभावना अगर पास्ट में है तो उसके लिए हम प्रेजेंट में है तो उसके लिए हम करते हैं मे प्लस है प्लस वी थ्री। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ आप एग्जाम्पल में देखेंगे
याद पे दिया हुआ कि ही हैज नॉट कॉल्ड मी सो फार, मतलब कि उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया है। ही मे हैव फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन, हो सकता है कि वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया हो, ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तक कॉल नहीं किया, उसने कहा था कॉल करने के लिए लेकिन अभी तक कॉल किया नहीं, इसका मतलब है कि फेल हो गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहा है इसका जो हम इसका जो निष्कर्ष होगा, कंक्लूजन होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर है कि वी डोंट नो एक्चुअल थिंग, हम एक्चुअल थिंग नहीं जानते हैं, और एक्चुअल थिंग जानते नहीं है, वी डोंट नो एक्चुअल थिंग बट एज ही हैज नॉट कॉल्ड सो फार, हम एक्चुअल चीज़ यहाँ नहीं जानते हैं, लेकिन किंतु उसने अभी तक फोन नहीं किया है, कॉल नहीं किया है, द पॉसिबिलिटी इज दैट ही मे हैव फेल्ड, तो हो सकता है, संभावना यह है कि वो फेल हो गया होगा। तो जो है प्लस मे है प्लस V3 होता है, वो क्या करता है, प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है। वहीं यहाँ नीचे देखिएगा दिया हुआ है कि यू माइट हैव इन्वाइटेड मी टू योर वेडिंग, यू माइट हैव इन्वाइटेड मी टू योर वेडिंग, आप मुझे अपने वेडिंग में यानी कि अपने शादी में इन्वाइट कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं, यू डिड नॉट इन्वाइट, तो आपने नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉसिबिलिटी थी पास्ट में कोई चीज़ होने की, लेकिन वो जो पॉसिबिलिटी थी पास्ट की कोई चीज़ होने की हुई नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माइट है प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ मस्ट, याद रखेंगे स्टूडेंट, यूज ऑफ मस्ट में मस्ट इज यूज फॉर कमांड कंपल्सन ऑर्डर, यानी कि कमांड कहने का अर्थ है कि जैसे आदेश होता है ये, और कंपल्सन होता है मतलब मजबूरी, यानी कि आपको करना ही है, ऑर्डर मतलब होता है आगे, तो इसका उपयोग करने के लिए ऑर्डर का, कमांड का और कंपल्सन का के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट वहाँ होता है जहाँ कमांड हो, वहाँ जहाँ कंपल्सन हो और जहाँ ऑर्डर हो, उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे सोल्जर मस्ट ओबे दियर सीनियर्स, यानी कि सोल्जर्स को अपने सीनियर का का कहना मानना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो सोल्जर्स है वो क्या है, यहाँ ये सेना की बात हो रही है, तो सेना में कमांड चलता है, इसलिए यहाँ कमांड है। आगे है यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, जैसा कहा जाता है वैसा तुम करोगे, यहाँ कंपल्सन है, यहाँ बाध्यता है, या आपको वैसा ही करना है, या हम कह सकते हैं कि ऑर्डर भी है यहाँ, ठीक है ना, ऑर्डर है, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, जैसा तुमको कहा जाता है वैसा करोगे। और यहाँ पर है ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट अटेंड द एग्जामिनेशन, सभी कैंडिडेट जो हैं वो एग्जामिनेशन अटेंड करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो यहाँ कंपल्सन हो रहा है। तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग जो होता है कमांड कंपल्सन और ऑर्डर को दिखाने के लिए भी होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दे रहा है कि मस्ट शोज मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि नैतिक दायित्व का बोध कराने के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड, आपको अपने मित्र की मदद उसके जरूरत के समय में करनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मोरल ड्यूटी दिखाने के लिए भी, यानी कि नैतिक दायित्व को दिखाने के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। आगे है मस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोविजन एंड एम्फेटिक एडवाइस, यानी कि निषेध और जबरदस्त सलाह देने के लिए भी मस्ट नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि स्टूडेंट्स मस्ट नॉट कॉपी अदर्स, यानी कि स्टूडेंट्स को दूसरों से नकल नहीं करना चाहिए, तो यहाँ भी है ये क्या है, प्रोविजन है यानी कि निषेध है। आगे है यहाँ पर कि पैसेंजर मस्ट नॉट ट्रेवल विदाउट टिकट, बिना टिकट के पैसेंजर को यात्रा नहीं करनी चाहिए या नहीं करें। पैसेंजर मस्ट नॉट ट्रेवल विदाउट टिकट, यानी कि पैसेंजर बिना टिकट की यात्रा न करें, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी निषेध है, प्रोविजन है। आगे बढ़ते हैं, यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो ये इम्फैटिक एडवाइस है यानी जबरदस्त सलाह है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, फोर नंबर रूप मस्ट के, मस्ट शोज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लाइकलीहुड, यानी कि मस्ट जो है वो बहुत अधिक संभावना दिखाता है, बहुत अधिक संभावना दिखाता है, जहाँ पर चांसेज बहुत अधिक होते हैं सही होने के, तो उस संभावना को दिखाने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर है, ही स्टेज इन ए 5-star होटल, वह 5-star होटल में रहता है, इसका मतलब क्या है कि वो अमीर होगा, यानी ही मस्ट बी ए रिच मैन। यहाँ पर मे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ वो 5-star होटल में वहीं रहेगा जिसके पास पैसे होते हैं, और पैसे वाले अमीर होते हैं, तो इसलिए यहाँ जो पॉसिबिलिटी है या लाइकलीहुड है वो स्ट्रांग है, और इसकी वजह से मस्ट का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर रूल पर, ये कहता है कि इफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड विद द हेल्प ऑफ मस्ट, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है मस्ट, इफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड विद द हेल्प ऑफ मस्ट, यदि क्वेश्चन मस्ट के मदद से पूछा जाता है, एंड द रिप्लाई इज इन अफर्मेटिव, और रिप्लाई अफर्मेटिव में आता है मतलब सकारात्मक होता है, मस्ट इज यूज्ड, तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर सकारात्मक रिप्लाई हो, यानी कि
अफर्मेटिव रिप्लाई हो तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। बट इफ द रिप्लाई इज इन नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव में रिप्लाई हो, नीड नॉट इज यूज, तो वहां पर नीड नॉट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देख लीजिए, यह हुआ कि मस्ट आई अटेंड द मीटिंग, क्या मैं मीटिंग, मुझे मीटिंग अटेंड करना है, तो यस यू मस्ट, हाँ आपको करना है। तो यस में देखिए आंसर दिया गया है तो मस्ट का प्रयोग किया गया, लेकिन वहीं अगर नो में आंसर दिया गया है नेगेटिव में तो नो यू नीड नॉट, नहीं आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है नो का प्रयोग किया गया तो नीड नॉट लगा है, मस्ट नॉट नहीं लगता है, इसका ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, लास्ट रूल है मस्ट का, मस्ट प्लस हैव प्लस V3 इज यूज टू शो ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन पास्ट, यानी कि पास्ट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी तीव्र संभावना दिखाने के लिए हम मस्ट हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ, ही मस्ट हैव पास द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वो पहले प्रयास में ही एग्जाम पास कर गया होगा। दे मस्ट हैव रीच्ड देयर इन टाइम, वे लोग समय से वहाँ पहुँच गए होंगे। तो यहाँ अगर पास्ट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखानी है तो मस्ट हैव प्लस V3 का प्रयोग करना है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि मे, माइट और मस्ट के यूज में कोई आपको परेशानी नहीं हुई होगी और इस वीडियो के बाद नहीं होगी। आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और अगले मॉडल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।